ये हमने एक ड्रॉप बनाया, अब इसको डिस्टर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के जरिए हम क्या कर सकते हैं इसको जरा समझने की कोशिश करें। तो डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में गए और हमने जाके यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हम डिफरेंट किस्म के इफेक्ट इस पर डाल सकते हैं, जैसे हम इसको कहते हैं कि 60 डिग्री बड़ा हो जाएगा, 25 डिग्री के एंगल पे इसको रोटेट करा दें। तो रोटेट कराने के लिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम इसको आगे करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज को यहां से 25 डिग्री से इसका रोटेशन एंगल हम थोड़ा कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस के मुताबिक यहां डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है तो यहां पर हम इसको 13 पे करते हैं, क्लोज हो जाएगा बहुत ज्यादा, फर्क चीज कर लेते हैं ठीक है, और इसको हम ओके कर देते हैं। इसके बाद इसकी कॉपी को हम इस तरह से रोटेट करेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट को रोटेट करने पे सारे के सारे उसी हिसाब से रोटेट हो जाएंगे। कोई भी शेप बना के आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप इस शेप को चेंज भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करें, ये एडिट मोड में आ गया। क्या चेंज करेंगे, कलर, और यहां से आप करेंगे इसको इस तरह से, और फिर जो है इसको करेंगे हम स्पेस कम करने के लिए क्या करेंगे, इस इफेक्ट को जब भी आपने एडिट करना है तो विंडोज में जाके यहाँ से अपीयरेंस खोलना है, ट्रांसफॉर्म को एक्टिवेट करना है, और जो भी चेंजेस करनी हो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं। सही है, समझ में आ गई बात। अच्छा, अब उसके बाद क्या करें, आप इसी का इस पे दोबारा से अप्लाई करें और इसी ऑब्जेक्ट को इससे छोटा ले लें, सपोज टू बी 92 विड्थ और 92 हाइट कम कर लें इसकी, और जरा नंबर ऑफ कॉपीज को बढ़ाएं, शायद और कम करना पड़ जाए, 82 करके देखें, लेकिन अभी भी एक दूसरे से चिपक रहे हैं, कॉपीज को कम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और कम कर लेते हैं, 72 कर लेते हैं। अब सही है, डिस्टेंस है। अब हर ऑब्जेक्ट यानी कि 28% जितनी कॉपीज बनाएंगे उससे छोटा बनेगा। फिर क्या करें, यहाँ थोड़ा सा एंगल दे दें, छह का एंगल काफी रहेगा इसमें, और भी घुमा सकते हैं, ये एंगल भी काफी, ये जबरदस्त एंगल है। अब इसमें दो इफेक्ट्स हैं, एक पहले वाले ऑब्जेक्ट का जिसमें आपने इनका डिस्टेंस सेट किया था, और एक दूसरा जिसमें आपने इसकी कॉपीज को उससे कम करके छोटा करके जनरेट किया। तो ये देखिए इसके ऊपर ये पैटर्न कैसा बना इसके। सही है, अब अंदर वाला जो पैटर्न डुप्लीकेट कर बनता हुआ आ रहा है वो सब इस ऑब्जेक्ट से बनता हुआ आ रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करके आप इसके ऊपर ग्रेडियंट लगा दें, ओहो स्टॉप कर, देख रहे हैं? इस तरह के जो भी आप इफेक्ट्स इस पर लगा सकते हैं वो लगा दें, ये इसके ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएगा और ये आपको वैसा इफेक्ट बना के देगा। सही, ये बात समझ में आ गई आपके, क्लियर हो गई। अच्छा, इसमें एक और चीज देख लें, वो ये है कि जैसे हमने ये एक शेप बनाया,
और इसको यहाँ से क्लिक करके फोर्टी फाइव डिग्री पे रखा, रिफ्लेक्ट किया अल्टर के साथ, क्लिक किया, ग्रुप कर दिया, क्लिक किया, यहाँ रख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बड़ा है, इसके आगे वाले ऑब्जेक्ट जो हैं इससे छोटे बनते चले जाएं। सेलेक्ट करेंगे डीप ट्रिक्स डिस्ट्रिक्ट, आगे वाले से छोटे कितने हो और डिस्टेंस कितना हो, तो वर्टिकल डिस्टेंस हम यहाँ से चूज करेंगे और साइज का कम करना बढ़ाना वो यहां से करेंगे। सपोज 10 10 पॉइंट का गैप रख लेते हैं, और यहां से नंबर ऑफ कॉपीज को और वैसे अगर आपसे ये काम कराने के लिए कहा जाए तो इतना ही मुश्किल काम है, आराम से हो जाए। और आगे ले जाएं इसको आप यहां से, फिर इसको रोटेट कराना हो तो ये देखिए यहाँ से ऐसे रोटेट कराना हो तो ऐसे, साइज बढ़ाना हो तो आ रही, वो समझ में है, बाईपास हो रहा है, आ रहा है। तो बहरहाल ये एंगल नहीं भी दे रहे तो आप इसको एंगल सीधा रखें तो ये बड़ा काम का टूल है। ये ऐसे करके सीधा भी स्ट्रेट भी बना सकते हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, अच्छा छोटे से बड़ा हो रहा है, ये बड़े से छोटा हो रहा है। अब अगर इसको उल्टा कर दें तो भाई 100% का डबल कर दें, तो अब अपने साइज से ये बड़ा होता चला जाएगा। जितना डिस्टेंस सेट करेंगे 10 का फर्क रखेंगे तो हर ऑब्जेक्ट पिछले वाले से 10 परसेंट बड़ा होगा। समझ में आ गई बात ये?